अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आज रात मैं तुम्हारे अंदर बसी नागमणि सक्रिय कर दूंगी बुलबुल, और फिर शुरू होगा इस चुड़ैल का तांडव। ये क्या है? पांव निकल क्यों नहीं रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? कितने आराम से सो रहे बच्चे, थक गए थे। देव, हमें मोहिनी पर रत्ती भर भरोसा नहीं। वो जरूर ऐसा कुछ ना कुछ करेगी जिससे बुलबुल को तकलीफ हो या उसे कोई नुकसान पहुंचे। तो फिर क्या करें हम? एक तरीका है। क्या? इधर। अब मोहिनी और अंबा इस नाग सुरक्षा रेखा को कभी पार नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। पारो। इंडिपेंडेंस डे पर स्कूल में बहुत अच्छा अच्छा भी खाने को मिलता है। क्या बातें हो रही है दोनों बहनों में? माँ, मैं बुलबुल को स्कूल जाने के लिए उठा रही थी। आज 15 अगस्त है ना, सब फ्रेंड के साथ बहुत मजा आने वाला है। पर बेटा, बुलबुल आज स्कूल नहीं जा सकती। पर क्यों माँ? क्योंकि बुलबुल आपकी तबीयत खराब है ना, तो आज आप घर पे आराम कीजिए। चलिए दोनों दूध पी लीजिए। सरगम, जल्दी से फिनिश कर लीजिए, उसके बाद आपको स्कूल के लिए तैयार करना है ना। हाँ माँ। स्कूल के लिए रेडी बेटा? जी पापा। सरगम, हाँ? अच्छे से रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा और नो मस्ती। हाँ माँ। चलो बच्चा, चले। हाँ चलो। बाय मम्मा। बाय। तो पारो ने बुलबुल को कमरे से बाहर नहीं आने दिया है। कोई बात नहीं, लगता है ये काम भी अब मुझे ही करना पड़ेगा। वाव, आज पहली बार मैं फ्लैग होस्टिंग देखूंगी, कितना मजा आएगा। सरगम, बुलबुल कहाँ है? वो तो 15 अगस्त का फंक्शन कभी मिस नहीं करती। वो बुलबुल की तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो नहीं आई।
अच्छा वैसे ये 15 अगस्त के फंक्शन में क्या क्या होता है? मैंने सुना अच्छा अच्छा खाना मिलता है और चॉकलेट भी। कितनी भूखी है ये, लगता है 15 अगस्त के फंक्शन में पहली बार आई है। मेरे सारे फ्रेंड्स स्कूल गए हैं, सरगम भी गई है, बस माँ ने मुझे नहीं जाने दिया। आज इंडिपेंडेंस डे का फंक्शन है, मैंने सरगम को प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ रहूंगी, पता नहीं वो क्या कर रही होगी अकेले। हेलो बच्चों, हैप्पी, अभी कैंडीज आप लोग ले लेना, ओके? शर्नम तू भी लेना, लेकिन फ्लैग होस्टिंग होना तो बाकी है ना, तो तुम अभी क्यों बांट रही हो? अरे उसमें अभी टाइम है, सबने ले ली, तुम भी ले लो। थैंक यू, वेलकम। कहाँ से आ रही है? ये सब क्या हो रहा है? बच्चों चलो चलो सब एक साथ आ जाओ। मेरे प्यारे बच्चों और अध्यापकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सब लोग यही सोच रहे होंगे ना कि आपके आसपास से आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं बताती हूँ, ये आवाज दरअसल आप सबके पेट से आ रही है। ये सब क्या हो रहा है? अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे कि पेट से ऐसी आवाज कैसे आ सकती है ना? दरअसल आप लोगों ने जो कैंडीज खाई है ना अभी, वो आपके पेट में जाकर बम बन गए। रुको, मैं तो बताना ही भूल गई, अगर आप लोगों में से कोई भी लॉबी छोड़कर बाहर गया तो वो बम आपके पेट में बूम फट जाएगा। इसलिए कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। बुलबुल इधर आ। बादशाह जी आप यहाँ नहीं आ सकती। और तो मुझे कौन सा तेरे पास आना है, मैं तो तेरे मम्मी पापा को ढूंढ रही थी, उन्हें ये वीडियो दिखाना है। पता है तेरी बहन सरगम की जान खतरे में है। पता नहीं और बच्चों का वहां पे क्या हो रहा होगा। वीडियो देखना, ये देख देख देख। मेरी बहन, मेरे फ्रेंड खतरे में है, स्कूल पर अटैक हुआ है,
इसीलिए तो मैं तेरे मम्मी पापा को ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। सरगम वहां अकेली है ना? मैंने सरगम से प्रॉमिस किया था मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी, उसे कुछ नहीं होगा, मैं अपने फ्रेंड्स को भी बचाऊंगी। लेकिन उन्हें बचाने के लिए तुझे जाना पड़ेगा ना, यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। काम हो गया। ओ जा जा, रहने दे, तुझसे नहीं होगा, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। अब हमें बुलबुल को सिखाना है कि अपनी शक्तियों का सही से इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे हमें अपनी शक्तियों से दुनिया की मदद करनी है। और नागमणि, उसकी अहमियत भी बुलबुल को समझानी होगी। हमें नागमणि की रक्षा करनी होगी, क्योंकि अगर वो मोहिनी या किसी भी गलत हाथों में चली गई तो संसार का विनाश होना तय है। हमारी मदद कीजिएगा भोलेनाथ। एक नागिन होने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और उसके लिए हमें अपनी बुलबुल को तैयार करना होगा। अगर फिलहाल जरूरी है बुलबुल को खुश रखना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, जिसके लिए उसकी माँ तैयार है। हमें घर जाना है, हमें बम से डर लगता है, प्लीज हमें बचाओ, प्लीज हमें जाने दो। मुश्किल से तो सब सही हुआ था और अब ये भोलेनाथ जी क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? बुलबुल बाहर नहीं जाएगा, बाहर जाके देख लिया अंजाम क्या होता है। अब अगर कोई बाहर जाएगा तो वो भी ऐसे ही फटेगा। किसी को जाना है बाहर,
अब किसी की हिम्मत है? अंजाम देख लिया, बाहर जाने से क्या होगा? अब सब लोग प्यार से मेरी बात मानेंगे, ठीक है? मोहिनी आंटी, सरगम, ये तो मोहिनी आंटी की आवाज है। कुंती आंटी, इसका मतलब ये सब कुंती आंटी कर रही है? पर वो है कहाँ? मेरे घर पे आवाज आ रही है। का मतलब प्रिंसिपल मैम के ऑफिस में है वो। सरगम, तू अपना और बाकी सबका ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। पर तू कहाँ जा रही है? बुलबुल, क्या आप सही नहीं कर रही है? सबको जाने दो, मेरे फ्रेंड ने कुछ गलत नहीं किया। ओह, अब समझी। तुम्हें इसलिए बुरा लग रहा है ना कि मैंने तुम्हें इस इंटरेस्टिंग से गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया? कोई नहीं आंटी, इतनी बुरी थोड़ी ना। तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक काम है, तुम्हें इन्हें बचाना है। लेकिन मैं कैसे? कैसे मतलब? अरे तुम पारो की बेटी हो, छोटी से पोली, अब तो तुम नागिन बन गई, छोटी वाली नागिन, तो तुम कर सकती हो, जाओ बचाओ उनको, शक्ति है तुम्हारे पास। लेकिन मैं सबके सामने नागिन नहीं बन सकती। बन सकती हो बेटा, मैंने इन लोगों के ऊपर जादू कर दिया है, इनमें से जो भी जिंदा बच गया उन्हें कुछ याद नहीं रहेगा, मतलब इनमें से किसी को कुछ याद नहीं रहेगा 15 मिनट के बाद, तो तुम्हारी मर्जी, इनको मरने देना है कि बचाने। बच्चे मन के सच्चे। कितने भोले होते हैं ना। मुझे नहीं मरना, मैं पहले जाऊंगा, मैं फर्स्ट। राहुल, बेटा बिल्कुल संभल के। तुम तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत एक माँ को उसके बच्चों की रक्षा करने से नहीं रोक सकती। छोड़ो, ही नहीं जा सकती। छोड़ो रंभा। मम्मी जी, ये क्या हो रहा है? दादाजी, कोई कहीं नहीं जाएगा। दादाजी, मुझे छोड़ो रंभा। रंभा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, छोड़ दो दादाजी को। अगर तुम्हें हंसी गई या अगर तुमने नागिन बनने की कोशिश की तो इस बुड्ढे की मौत की जिम्मेदार तू होगी, मैं नहीं। प्लीज बोले ना जी, मेरी हेल्प करना।
मेरी पर्ची है मेरे पास। ये लड़की इस ब्रिज को पार नहीं कर सकती। ये नागमणि पूरी तरह सक्रिय हो जाएगी और मेरी नागमणि मेरे सारे बच्चों की जान बचाई ना, इसलिए भोलेनाथ ने तुम्हें आशीर्वाद दिया। भाई समझ करो, छोड़ दो दादाजी को, छोड़ दो। छोड़ दूंगी ऐसा, एक बार जीजी का काम पूरा हो जाए फिर छोड़ दूंगी, तब तक हिलना मत, हिलना मत। आखिर तुम चाहती क्या हो, क्यों तंग कर रही हो? मेरे पता चल जाएगा, एक बार जीजी का काम पूरा हो जाए सारा खेल खुल जाएगा। छोड़ दो मुझे, वो मिल जाएगा जो वो हासिल करना चाहती है, फिर तू और तेरी दोनों पिद्दी जीजी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझी
ही खड़ी रहे, वहीं खड़ी रहे। बेकार तो तुम नहीं पाओगे कुछ। दादाजी रस्सी निकालो जल्दी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाओ बेटा, मैं इसे संभालता हूँ, तुम जाओ। जाओ। बाबू, ये सब क्या चल रहा है? देव हम तुम्हें सब बताएंगे, सबको समझाएंगे, मगर इस समय नहीं। अभी ना हमारे पास समय नहीं, हमें जाना है। देव तुम बस ये ख्याल रखना कि रंबा छूट ना पाए, रंबा को बांध के रखना, हाँ उसका ध्यान रखना माते। ये सब चल क्या रहा है? तुम जानती हो अब क्या होगा? अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी नागलोक के द्वार पर, वहां तुम्हारी बलि दूंगी और फिर नागलोक का द्वार मेरे लिए खुल जाएगा। फिर मैं तुमसे ये नागमणि लूंगी और फिर पूरे नागलोक पर और इस पूरी धरती पर कब्जा करूंगी। छोड़ो, छोड़ो मुझे, नहीं। चुप, माँ, छोड़ो, चुप, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। आज तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, चिल्ला के कहाँ चिल्ला सकती है? छोड़ो, चुप, बुलबुल को छोड़ दो। आज नहीं छोड़, मेरा बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है पारो। मेरी बेटी की जान से ज्यादा और कुछ जरूरी नहीं है। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो बुलबुल को जाने दो। तुम शायद भूल रही हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और ये धमकी देने से पहले सोच लेना चाहिए। बुलबुल, इस नागमणि को जागृत करूंगी और फिर तुम्हारी बच्ची और इस पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। कैसे आई पारो, ये सब क्या है? तुम्हारे ही खेल में तुम्हें मात दे दी गई है मोहिनी। हम जानते थे तुम अपने हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी, इसलिए हमने बुलबुल के अंदर नागिन अस्त्र सक्रिय कर दिया था। अब पारो के हाथ की छाप से ये सर्पताल खुलेगा। खुल क्यों नहीं रहा है? रंभा, रंभा मुझे यहां से बाहर निकालो। जीजी, जीजी ये सब क्या है? उस नागिन ने मुझे नागिन अस्त्र में बंद कर दिया है और उसके अलावा मुझे कोई यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जीजी, पर अगर आपको पता है कि पारो के अलावा आपको इसमें से और कोई नहीं निकाल सकता तो फिर आप ऐसी गला फाड़ फाड़ के चिल्ला क्यों रही हैं? रंभा! सॉरी जीजी, जीजी जीजी सुबह से ना मेरी तबीयत बहुत खराब है और जीजी आपको पता है मैं छिपकली भी नहीं बन पा रही हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। तुम किसी काम की नहीं हो,
मैंने तुम्हें यहाँ अपनी मदद करने के लिए बुलाया था और खुद अपनी मदद की भीख मांग रही हो। क्या कर रही है तुम? मैं तो बहुत खराब है जीजी। जीजी मुझे उल्टी जैसा लग रहा है जीजी। चक्कर भी आ रहे हैं सुबह से और खट्टा खाने का मन कर रहा है। ठीक है अम्मा, थैंक यू। क्या कहा तुमने? खट्टा खाने का मन कर रहा है? तुम मां बनने वाली हो रम्मा? हाँ? जीजी मां कैसी बातें कर रही है? जीजी मैं मां कैसे बन? जीजी शायद अब सच कह रही है। जीजी वो जिस दिन सारी जायदाद हमारे नाम हुई थी ना, तो मैं और रमन उस रात को थोड़ा सा बहक गए थे। कैसा लग रहा है? सुंदर है ना? माँ ये नागमणि क्या होती है और वो चुड़ैल भी ऐसा क्यों कह रही थी कि मेरे अंदर नागमणि है? नागमणि, नागमणि भोलेनाथ का हम नागों को दी गई उनकी वो अमानत है जिसमें असीम शक्तियां हैं और हमारा कर्तव्य उसकी रक्षा करना है। लेकिन अगर नागमणि गलत हाथों में पड़ गई तो सर्वनाश आ सकती है। माँ फिर वो मेरे अंदर क्यों है? डरिए मत, इस नागपंचमी हम भोलेनाथ की पूजा करेंगे और आपकी नागमणि को प्रज्वलित करेंगे और फिर भोलेनाथ के चरणों में उसे समर्पित कर देंगे। माँ फिर ये नागमणि कहाँ जाएगी? फिर भोलेनाथ उसका ख्याल रखेंगे और फिर जब कोई नागिन कड़ी तपस्या करेगी तो उसे वो नागमणि मिल जाएगी, क्योंकि अब जैसे छोटे से बच्चे के पास नागमणि का होना खतरे से खाली नहीं। पारो जल्दी चलो, जीजी को कुछ हो गया है। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें कैसे पता कि मोहिनी कहाँ है? अब जीजी जहाँ है वहाँ तो मैं पहुँच ही जाऊंगी ना, लेकिन वो सब छोड़ो, जीजी की ना हालत बहुत खराब है, चलो मेरे साथ। बेटा आप यहीं रहिएगा, हाँ कहीं जाना मत, हम अभी आते हैं। चलो आओ अंदर देखो। ये तुमने कैसे खोला? इसे तो बस हम ही खोल सकते हैं। पारो, मैं मर जाऊंगी, मुझे यहां से बाहर निकाल लो। तुम्हारा ये नाटक अब और नहीं चलेगा मोहिनी। मैं नाटक नहीं कर रही, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं मां बनने वाली हूँ। मैं देव के बच्चे की मां बनने वाली। झूठ! क्या बकवास है ये मोहिनी? तुम्हें तो कुछ याद नहीं होगा, उस दिन सुहागरात वाले दिन जिस दिन पारो ने दूध में भांग मिलाई थी, उस दिन हम दोनों बहुत नशे में थे और तुम्हें तो बंद करो अपनी बकवास। पारो झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम जानते हैं कि मोहिनी तो क्या, अगर स्वयं भोलेनाथ भी आकर हमसे ये कहे ना कि ये मोहिनी तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है, हम इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। झूठ बोल रही हूँ मैं। तुम्हारे पास तो बहुत सारी विचित्र शक्तियां हैं ना, खुद क्यों नहीं देख लेती? क्यों?
देव, मोहिनी सच में मां बनने वाली है। और मेरी बात का विश्वास करो, जरूर इसकी कोई नई चाल यहां से बाहर निकलने की। प्लीज इसकी बात मत मानना। हम जानते हैं देव, ये तुम्हारा बच्चा नहीं, तुम्हारे बच्चे की ना सही, लेकिन मोहिनी मां बनने वाली, हमें इसे यहां से बाहर निकालना होगा। देव, हमारी दुश्मनी इस मोहिनी से, एक मासूम से बच्चे से तो नहीं। जीजी, आप हंस क्यों रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारी प्रेगनेंसी से मुझे एक तरकीब मिली है। अगर मैं पारो से कहूँ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तो वो मुझे कभी आ नहीं रहने देगी, क्योंकि वो एक माँ है। उसके अंदर की ममता जो है वो जाग उठेगी। दुश्मन तो उसकी मैं हूं ना, लेकिन एक बच्चे से दुश्मनी, ऐसा वो नागिन कभी नहीं करेगी, और वो मुझे जरूर यहाँ से बाहर निकालेगी। पर चीची, वो नागिन आपकी बात पर विश्वास करेगी? मैं सब पर माया करती हूँ रब्बा, लेकिन आज अपने ऊपर माया करूंगी, जिससे पारो को ये पता चल जाए कि मेरे पेट में एक बच्चा है। और प्लीज मेरी बात को मानो, ये तो मैं बहका रही, यहाँ से बाहर निकलने के बाद फिर हमारे बच्चों के साथ गंदा खेल खेलना शुरू कर देगी। प्लीज इसे अंदर ही रहने दो, बाहर मत निकालना इसे। देव, मैं झूठ नहीं बोल रही। आज जब मैं खुद माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे एहसास हो रहा है कि एक माँ बाप को अपने बच्चे के लिए कितनी तकलीफ होती होगी जब उसे तकलीफ होती है। तो मुझे एहसास है इस चीज का कि जब मैं बुलबुल और सरगम को तकलीफ देती थी, तो तुम लोगों को कितना बुरा लगता होगा। अब जब मैं खुद माँ बनने वाली हूँ, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कभी कि कोई मेरे बच्चे को तकलीफ दे, तो मैं तुम्हारे बच्चों को कैसे तकलीफ दे सकती हूँ? मेरा भरोसा करो, मैं कुछ नहीं करूंगी, बस मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो हमारे बच्चे के लिए। और मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तुम्हें बहका रही है, प्लीज इसकी बातों में मत आना, चाहे कुछ भी हो जाए इसकी बातों में मत आना प्लीज। पारो, पारो देखो गलत कर रही हो तुम। ये पारो, पारो तुम अपनी अच्छाई के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठोगी। प्लीज मत करो ये सब। तुम एक माँ है थे, और एक माँ किसी दूसरे माँ के साथ कभी अन्याय नहीं कर सकती। पारो की नजर हर वक्त मुझ पर रहेगी, लेकिन मुझे किसी भी कीमत पे बुलबुल चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। हाँ जी जी। तरस खाकर तुम्हें आजाद तो कर दिया है मोहिनी, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, अगर इस बार तुमने हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की सोची भी, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसी बातें कर रही? तुम एक माँ हो, मैंने आज तक तुम्हारे बच्चों को चोट पहुंचाने की कोशिश की, अब एहसास हो रहा है कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा, क्योंकि अब मैं मां बनने वाली हूं। Hey!
उस पैरों से ज्यादा तो हमारी उंगली पे सुंदर लग रही है। हाय, दिल कर रहा है ना कि इसको हम हमेशा के लिए अपने पास रख ले। हे प्रभु, अरे कपड़े धोने के लिए तो हम नल का खुला रख के आ गए हैं और पूरे गुसलखाने में पानी भर जाएगा। हाय प्रभु, अरे ये सब झमेले में तो हमने अपना काम खुद ही बढ़ा लिया है। चलो ये तो निपटा। हाँ बताओ, हैं घर में तीन तीन बहू हैं, तीन तीन पर कोनो काम की नहीं, सब कुछ हमको ही देखना पड़ता है। नहीं मिल रहा है प्रभु, हम क्या करें अब? एक काम करते हैं, इससे पहले ना पारा को कुछ भी पता चले ना, हम ये अंगूठी वहीं रख के आ जाते हैं जहां से हमने उठाई है। इसका मतलब मोहिनी मां नहीं बनने वाली है, ये सब उसने हमारी नगीना मणि से बाहर आने के लिए किया। इसको हम जल्दी से ना वापस रख देते हैं। मोहिनी बुलबुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगी, हमें सावधान रहना होगा। ये भोलेनाथ हमारी बच्ची की रक्षा कीजिएगा। आराम से, आराम से। आपको लगी तो नहीं? नहीं, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं।
चाचा जी, आप इस कमरे में कुछ काम था आपको? वो हम देव को ढूंढने आए थे। देव को? हाँ। देव तो यहाँ, हम बुला दें क्या? अरे नहीं, बुलाने की क्या जरूरत है? अब पहले ढूंढने आए थे, अब नहीं ढूंढना है जी। चाची जी, बुलबुल चाची ने क्या किया होगा? बुलबुल कहाँ होगी? हे भोलेनाथ, मारो। क्या हुआ? क्या तुम्हें इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? देव, बुलबुल खतरे में। बुलबुल खतरे में? कहाँ है बुलबुल? पता नहीं कहाँ है। हम उसी को ढूंढ रहे थे। हमें नहीं पता कहाँ है। मोहिनी, ये सब उस मोहिनी ने किया है, हम जानते हैं। देव उस पर नजर रखनी होगी। उसने हमसे झूठ कहा था कि वो मां बनने वाली है। हमारी नगीना मणि से बाहर आने के लिए उसने ये सब कहा हमसे। जानता था मैं उसकी चाल है। कहा था ना मैंने तुमसे, हमें माफ कर दो। हम जज्बात में बह गए थे, भावनाओं में आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तुम उस पर नजर रखो, ये काम सब तुम ही कर सकते हो। देख उस पर नजर रखो ताकि वो बुलबुल को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। और हाँ, उसे ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि हमें ये सब पता है उसका। लेकिन बुलबुल, हमें ना, हम बुलबुल को ढूंढेंगे। लेकिन तुम मोहिनी पर नजर रखना, वो कुछ भी गलत ना करे, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। जाओ जल्दी ढूंढो बुलबुल। चाचा जी, आपने हमारी अंगूठी ली थी क्या? क्या? अरे हम क्यों लेंगे तुम्हारी अंगूठी? देखो पारो, ऐसा है ना, ये चोरी के झूठे इल्जाम हम पे तुम लगाने की कोशिश मत करो। हाँ चाची, एक मिनट, आप हमें बस इतना बताइए कि आपने हमारी अंगूठी ली थी क्या? इन सब बातों का समय नहीं है हमारे पास, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमें बताइए अंगूठी ली थी क्या? बोलिए चाची जी, बताइए अंगूठी ली है आपने? बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना, बोलिए ना, अंगूठी ली थी क्या आपने? पारो, देखो ना, हमको माफ कर दो। तुम्हारी अंगूठी ना हमको बहुत अच्छी लग गई थी, तो हमने सोचा थोड़ी देर पहन के देख लेते हैं। पर उस अंगूठी में से ना हीरा गिर गया। हमने ना ढूंढने की बहुत कोशिश की, मिला नहीं हमको। उसमें हीरा नहीं है, इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे। उस अंगूठे को पहन के आप कहाँ कहाँ गई थी? क्या क्या किया था आपने? और आखिरी बार क्या किया था बताइए। वो हमारे बाथरूम में, वो हम कपड़े धोने गए थे ना, तो कहीं हमारी बुलबुल। हमारी बच्ची, मां बचाओ!
देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।